फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 2.2 के बारे में। तो 2.2 एक्सरसाइज की जो फर्स्ट हेडिंग आपकी है वह है रिलेशन। तो रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन को देखिए कि ए रिलेशन आर फॉर्म ए नॉन एम्प्टी सेट ए। यानी जो सेट है वो क्या नहीं है आपका, नॉन एम्प्टी सेट है। यानी इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, खाली सेट आपका नहीं है। टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी एक नॉन एम्प्टी सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा है। इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये अपन 2.1 के अंदर डिस्कस किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन है वो आर है, वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। ये आप कंडीशन माइंड में रखना है। फिर बोला है कि द सबसेट इज डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। यानी इस सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट और इस सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन वेरीफाइड होता है, है ना। तो ये सेकंड पेयर किसका, ऑर्डर पेयर के अंदर। तो ये है आपका कि ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का और ये सेकंड एलिमेंट है। तो ये आपको माइंड में रखना है, ये फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का होगा। ये सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, द सेकंड एलिमेंट इज द कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी जो सेकंड एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला एलिमेंट है, वो क्या कहलाएगा, इस एलिमेंट की इमेज कराएगा, फोटो कराएगा, ठीक है ना। ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद में एक रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट करूं, जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करें। तो कैसे करेंगे कि एक रिलेशन है आपका आर, वो डिफाइन हो रहा है एक्स कॉमा वाई। एक्स बिलोंग्स टू आपका ए ले लेता हूं, वाई बिलोंग्स टू बी ले लेता हूं। तो एक रिलेशन को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे। बात आती है कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड होते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग ऑफ द रिलेशन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए रिलेशन, कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड अपन बात करेंगे, कौन सी, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड इसमें बात करेंगे अपन इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको रोस्टर रूप कहते हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आएगा आपका बाई एरो डायग्राम, बाई एरो डायग्राम। इसको हिंदी में कहते हैं, ये तो दोनों आए हुए, इसको हिंदी में कहते हैं अपन तीर आरेख। फिर इसकी जो फोर्थ है आपका वह है टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। ये आपको माइंड में रखना है। अपन रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटिंग ऑफ द रिलेशन, इसमें रोस्टर फॉर्म आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म आएगी, एरो डायग्राम आएगा और टेबुलर फॉर्म यानी सूचीबंध आपका विधि आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें छोटी सी एक, इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, एक बात और कर लेते हैं इसमें कि रेंज और डोमेन क्या होगा। तो रेंज और डोमेन के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, अपन डोमेन के बारे में बात करेंगे, फिर रेंज के बारे में बात करेंगे और फिर को डोमेन के बारे में बात करेंगे। डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं और ये आपका सहप्रांत, ठीक है। इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, फिर इन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपकी डेफिनेशन है और ये इसके प्रेजेंट यानी रिप्रेजेंटिंग दर्शाने के तरीके हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट सबसे पहले मैं बात करूं डोमेन की, तो डोमेन प्रेजेंट करने के लिए
एक एरो डायग्राम की मैं बात करूं, देखो एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है ए टू बी के अंदर, एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है ए टू बी के अंदर, ठीक है। यहां पे कुछ एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहां पे कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका इसके साथ में, और इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, और इसका इसके साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा रेंज डोमेन की, डोमेन की बात करूं तो सेट ए की जितने भी एलिमेंट है जिनका कनेक्टिविटी हो रहा है इनके साथ में, जिनका मैपिंग, ये जो किया ये क्या है आपका मैपिंग है, जिनका मैपिंग हो रहा है, तो सबका हो रहा है मैपिंग, तो आपका जो डोमेन है वो कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो हो गया आपका डोमेन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रांत। उसके बाद में रेंज की बात करें, रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर, इसकी मैं बात करूं तो इन सब की इमेज इधर बन रही है, तो इमेज कौन कौन सी है, इस वन की इमेज ये है, फिर ए है, फिर सी है, फिर डी है, यानी ये जो कनेक्टिविटी हो रही है सब एलिमेंट के साथ में वही ए बी सी डी और ई, ये लीजिए। फिर मैं बात करूं कोडोमेन की, किसकी बात करें कोडोमेन की, कोडोमेन को हिंदी में कहते हैं सहप्रांत, इसकी मैं बात करूं तो इस बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, ये बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे आपके कोडोमेन कहलाएंगे। इन दोनों से दोनों को आप चेक करके बता सकते हो कि रेंज सबसेट किसका है कोडोमेन का, और इक्वल टू वाला केस जब आ जाए तब आप में पढ़ना पड़ेगा कि फंक्शन के टाइप किसमें ऑन्टो के बारे में वहां पे डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो अभी तो इतना ही है कि रेंज हमेशा सबसेट होगा किसका कोडोमेन का होगा, ठीक है ना। तो ये था नॉर्मली सा डोमेन रेंज और कोडोमेन, यानी आपके जितने भी ए की एलिमेंट किसमें आएंगे, किसमें आएंगे डोमेन के, बी के एलिमेंट किसमें आएंगे कोडोमेन और रेंज के अंदर, ठीक है ध्यान रखना। ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ये वैल्यू किसकी होगी सेट ए की होगी, ये वैल्यू किसकी होगी सेट बी की होगी, यही वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी डोमेन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी रेंज को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ये आपको माइंड में रखना है। अब अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में रिप्रेजेंट अपन रिलेशन के बारे में पढ़े, तो चार टाइप के रिप्रेजेंटेशन थे आपके, कि एक रिलेशन को चार टाइप से अपन दर्शा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या है, सबसे फर्स्ट आपका आएगा यहां पे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को देखो। सबसे पहले मैं एक रिलेशन ले लेता हूं आर माइनस वन कोमा वन, वन कोमा वन, टू कोमा फोर, ये एक रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ऐसे ले लिया, एक रोस्टर फॉर्म है, एक रिलेशन की क्या है रोस्टर फॉर्म है। फिर मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म की, इसी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, कि यहां पे एक ऑर्डर पेयर है, कैसे होगा वो ए कोमा बी से, ए बिलोंग्स टू, या फिर मैं एक चलो लिख दो, इसमें सेट ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन वन और टू, बी की वैल्यू कितनी है वन वन
ये फोर, यही तो है ना, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू किसमें होगी, सेट ए में, बी की वैल्यू किसमें होगी, सेट स्मॉल बी की, किसमें होगी, सेट बी में, आई बात समझ में। फिर ये रिलेशन डिफाइन कैसे हो रहा है, एंड ये रिलेशन डिफाइन कैसे हो रहा है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के, चेक कर लो, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, इस वन का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, टू का स्क्वायर किया तो ये वाली वैल्यू। तो किसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप आपका है, इसके बाद में आपकी आ जाएगी कौन सी फॉर्मेट, ए बाई एरो डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, एरो डायग्राम, ये अपन सब में लगभग में अप्लाई करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग रेंज और डोमेन फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये रिलेशन बना हुआ है, ये रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए टू बी के अंदर डिफाइन है, ये रिलेशन कैसे डिफाइन है आपका, एक रिलेशन है आर, वो ए टू बी में डिफाइन है, इसमें कौन सी वैल्यू है, माइनस वन है, फिर वन है, फिर टू है, इसमें वैल्यू वन है, टू है, फोर थ्री है और फोर है, ठीक है। वैसे तो वैल्यू तो इतनी है, ठीक है ना, इसमें कुछ वैल्यू लिख देता हूं मैं, वन टू थ्री फोर ऐसे करके, टू थ्री फोर, ये लीजिए वन टू थ्री फोर, इसका कनेक्टिविटी इसके साथ में, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ में, और इस टू की कनेक्टिविटी इसके साथ में, ऐसे कुछ हो रहा है। तो ये जो डायग्राम बना है वो किसका है, एरो डायग्राम, किसी रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद में चार नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड एक ही बात है। टेबुलर फॉर्म में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना, इसमें आप कुछ वैल्यू ले लो, इसको इसे रिप्रेजेंट करो तो बेटर रहेगा, ए स्क्वायर है ना आपका, तो यहां पे आपका टू फोर नाइन सिक्सटीन ऐसे कर दो, बेटर रहेगा, तो ये इसका हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है ना, काफी इतना है ना, ये वैल्यू इसके अंदर है, आप थोड़ा समझ आना। इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस आर के अंदर वैल्यू आपकी कौन सी है, इधर तो अपन सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस वन वन और टू, इधर कुछ वैल्यू ये ले लेते हैं बी वाली, वन फोर नाइन और सिक्सटीन, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टेबुलर, टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करवा दो, ये लो, ये टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करवा दिए। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू ना इधर, ये तो सेट ए है, और ये वाली वैल्यू किसमें है, बी में, ये है नहीं है आपके, लेकिन ये और ये फॉर्मेट ही है आपके, फिर भी देख लीजिए, माइनस वन का वन के साथ रिलेशन आ रहा है, वहां पे तो वन लगाना है, वन इस वन का इसके साथ में रिलेशन बन नहीं रहा आपका कहीं पे भी, माइनस वन का फोर के साथ नहीं है तो ये जीरो, ठीक है, और कहां पे, ये इसका इसके साथ में, इसका यहां पे, और किसी का भी रिलेशन नहीं बना हुआ है, तो सब जगह अपन क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, जीरो। रिलेशन किस किस का बना, किस किस का, कि माइनस वन का वन के साथ में, और वन का वन के साथ में, और टू का फोर के साथ में, ये रिलेशन आपका बन जाएगा आपका, आई बात समझ में, ऐसे अपन कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं इन चारों फॉर्मेट में आपके रेंज यानी कोड डोमेन रेंज और कोडोमेन की बात करूं, है ना, इसमें ये वैल्यू ले लो, थोड़ा कोडोमेन का फर्क मिल जाएगा आपको। सबसे पहले डोमेन की बात करूं, डोमेन की, तो डोमेन कितनी होगी, माइनस वन वन और टू। रेंज की मैं बात करूं तो रेंज कितनी होगी, वन और फोर। कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होंगे आपके, कोडोमेन जिनका कनेक्टिविटी नहीं, ये सारे बी के एलिमेंट, वन टू नाइन और सिक्सटीन, ये लीजिए, ऐसे अपन हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। अब देखो, अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए एंड सेट बी में, कि टोटल रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं एक सेट ए और बी में। तो हेडिंग आपकी नंबर ऑफ
रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, ये देखिए, देखो मैं ये बात कहूं कि नंबर ऑफ ए ये क्या है, टोटल एलिमेंट ऑफ, टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन ऑफ बी कितना आपका, टोटल नंबर ऑफ सेट बी, फिर एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या आपका, टोटल नंबर ऑफ, टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। आई बात समझ रहे, यदि इसमें मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं पी, इसमें कुछ एलिमेंट ले लेता हूं क्यू, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें, यहां पे मैं लिख देता हूं एन ए क्रॉस बी, इसमें कितने आएंगे पी क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यानी संबंध की टोटल संख्या, कुल संख्या कितनी होगी, 2 की पावर pq, ये सबसेट का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला किसमें आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं ये बोलूं कि सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 और 2, बी के अंदर कुछ एलिमेंट है एक 3 और ले लो 2 और 3, इधर ए कोमा बी ले लेता हूं, तो कार्टिजन प्रोडक्ट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ये 3 और ये 2 का मल्टीप्लाई करवा दो तो 3 × 2 = कितना आ गया, 6 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने, 2 की पावर 6, कितना आ जाएगा 2 की पावर 6, 64। तो ये टोटल रिलेशन इसके अंदर एक रिलेशन यानी एक कार्टिजन प्रोडक्ट के अंदर डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है ना, ये कार्टिजन प्रोडक्ट के सबसेट भी हैं और ये रिलेशन आ जाएंगे कि कितने डिफाइन हो सकते हैं, तो 64 रिलेशन इसमें डिफाइन हो सकते हैं। तो ये था आपका 2.2 का नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की भी बात करूं, तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन कंडीशन क्या है, सबसे पहले उसको अपन नोट डाउन करते हैं, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, कहां तक है ये 14 तक वैल्यू है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ए टू ए के अंदर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, बाई ए रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट, एक्स कोमा वाई सच दैट 3x - y = 0, वेर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोमा वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए के अंदर, ये लीजिए, राइट डाउन इज द डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज, ये आपको राइट डाउन इसमें करना है, ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले इसका एरो डायग्राम से इसको समझते हैं अपन, वो देखो इसी को पकड़ना, इसी को क्या लिख दूं, 3x - y = 0, तो 3x किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए टू ए के अंदर, तो कार्टिजन प्रोडक्ट तो अपने यहां पे बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, 14 × 14 196 हो गया, तो उसको मैं बना नहीं रहा हूं, अपन जानते हैं कि आपका जो रिलेशन होगा वो डिफाइन किसमें होगा, ए क्रॉस ए के अंदर ही होता है, हमेशा सबसेट एंड इक्वल टू होता है, तो इसमें कुछ वैल्यू ले लेता हूं मैं, ये लीजिए ये आपका सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 वैल्यू, 1 से लेके 14 तक वैल्यू होगी, और एक रिलेशन ऐसे डिफाइन हो रहा है, ये आपकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये सेट ए।
ये रिलेशन ए टू ए के अंदर डिफाइन हो रहा है। अब देखो ये सेट ए के अंदर, एक्स भी आपका ए में है, वाई भी आपका ए में है। यदि मैं एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करूं, एक्स इक्वल टू यहां पे मैं वन पुट कर दूं, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री आएगी। यानी जो रिलेशन आएगा आपका आर, देखना मैं आर लिखा हूं यहां पर, जो रिलेशन आपका डिफाइन होगा वो एक्स की वैल्यू वन मैंने पुट की तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थ्री। यानी वन यहां पे मैं पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थ्री आ गई। टू यहां पे पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। थ्री पुट किएंगे तो कितनी आएगी, नाइन आ गई। फोर को मैं पुट कर दूं तो फोर के लिए कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा। फाइव पुट करेंगे तो फाइव इंटू थ्री कितना, फिफ्टीन। तो ये तो है ही नहीं ना अवेलेबल, तो ये फाइव तक नहीं होगा। तो रिलेशन के अंदर इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो टू कॉमा सिक्स, थ्री कॉमा नाइन और फिर फोर कॉमा ट्वेल्व, ये रिलेशन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो इस रिलेशन को एरो डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एरो डायग्राम की ये रोस्टर फॉर्म है, और इस रोस्टर फॉर्म में बात करूं सबसे पहले किसकी, रेंज की बात करूं, डोमेन की बात करता हूं सबसे पहले। ये तो सारी वैल्यू ना, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। और डोमेन हमेशा किस में होगा, ए में होगा, ठीक है ना। फिर रेंज, रेंज की मैं बात करूं तो रेंज को कितनी होगी, थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व, ये रेंज। फिर मैं को डोमेन की बात करूं, को डोमेन तो को डोमेन में वैल्यू वन टू थ्री कहां तक, 14 तक सारी वैल्यू। सेट बी की सारी वैल्यू है तो इसमें सेट बी भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रांत, ये आपका परिसर और ये है प्रांत, ठीक है, ये आप जानते हो, क्लियर बात। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है, वो देखिए सबसे पहले डिफाइन ए रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है ऑन ए सेट एन टू एन, ये लीजिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल, कैसे डिफाइन हो रहा है वो देखिए कि एक्स बिल एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, और आगे कंडीशन दे दिया कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन, लेस देन यानी एक्स क्या आपका एक नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू किसमें, स्मॉल एन, और इस एन की वैल्यू कितनी आपकी लेस देन फोर, इसको मैं से लिख सकता हूं। और आगे भी एक कंडीशन और डाल दी कि एक्स कॉमा वाई बोथ आर बिलोंग इन कैपिटल एन, डिस्पिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, क्या निकालना है इसमें, रेंज और डोमेन निकालना है। देखो सबसे पहले तो मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, आप वैसे कर सकते हो इसको। देखो ये रिलेशन की जो रोस्टर फॉर्म है ना, यहां पे एरो डायग्राम से करना थोड़ा बेटर रहेगा। एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है कैसे, एन टू एन के अंदर, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू में लेस देन यानी इस पूरे में, यानी इस एक्स की वैल्यू में कितनी पुट कर सकता हूं, एक्स इक्वल टू वन टू थ्री, ये तो पुट होगी, लेस देन फोर बोला है तो ये वन ये टू ये थ्री, इधर वन टू थ्री फोर फाइव ये चलती जाएगी। यदि मैं इसकी वैल्यू, ठीक है, इसमें कुछ कुछ वैल्यू ले लेता हूं जो इसमें होगी, एक्स इक्वल टू वन पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स आ गई, टू पुट करूं तो इसकी वैल्यू एट आ गई, थ्री पुट करूं तो इसकी वैल्यू थ्री प्लस ये सेवन और ये एट, ये चलती जाएगी ऐसे, ठीक है। तो जो रिलेशन के अंदर जो वैल्यू मिली आपको वन कोमा सिक्स, टू कोमा सेवन और थ्री कोमा एट, ये रिलेशन के अंदर वैल्यू आएगी। चलिए ये वैल्यू आएगी तो इसकी डोमेन कितनी होगी, ऑर्डर पेयर की सबसे फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, डोमेन होगी।
रेंज ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो 6, 7, 8 आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ऐसे अपन एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट दे दिया आर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, एक रिलेशन आर दे दी, बी दे दिया 4, 4, 6, 9 और डिफाइन ए रिलेशन आर ए टू बी, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है आपका ए टू बी के अंदर, और कैसे डिफाइन हो रहा है वो देखिए। आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए आपका, ओड आना चाहिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, देख लेना। और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, ये देखो ठीक है। आर क्या होना चाहिए आपका, रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। चलिए देखो एक बार एरो डायग्राम से समझते हैं पर इसको, एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ए टू बी के अंदर मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूं तो दोनों का डिफरेंस कितना, देखो इसमें तो वैल्यू कितनी है 1, 2, 3 और 4, इसमें वैल्यू आपकी 4, 6 और 9, यानी इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर वाली वैल्यू कौन सी आपकी, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ये सारी क्या है, ऑड मल्टीपल है, ऑड वैल्यू आपकी है। देखो इन दोनों का डिफरेंस आपका ये आना चाहिए, तो मैं 1 का 4 के साथ कनेक्टिविटी करूं तो 1 - 4 कितना 3 आएगा ना, तो जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा, तो 3 किसमें, ऑड में, तो एक कनेक्शन हो गया। 1 का 6 के साथ में डिफरेंस करूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। 1 का 9 के साथ में करेंगे तो 8 आ गया, और 8 आपका क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। 2 से 4 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 2 - 9, 7, ठीक है, माइनस का 7 है लेकिन क्या है, ये नेगेटिव ऑड नंबर है, लेकिन है तो ऑड नंबर ना, ठीक है ना। फिर मैं 3 का इसके साथ में करवाऊं तो ये भी ऑड नंबर है, 3 का इसके साथ में करवाऊं ये भी ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं आएगा कि 3 - 9 - 3 कितना 6, ये नहीं आएगा। 4 का इसके साथ में नहीं होगा, इसके साथ में भी नहीं होगा, इसके साथ में होगा। तो एक रिलेशन के अंदर जो रोस्टर फॉर्म आपकी आएगी वो आ गई आपकी कितनी, 1, 4, 1, 6 और 2, 9, फिर 3, 4, फिर 3, 6, फिर 4, 9, ये वैल्यू आ गई। इसमें डोमेन आप पूछा नहीं है तो डोमेन अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों ही इसमें नहीं पूछा है तो ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, ठीक है, ये 5 कहां है भाई, 5, 5, 4, 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसमें 5 भी है ना, ये रहा 5, ये 4 नहीं है, ये 5 अभी आपका, तो इसका रिलेशन 4 इसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तीनों के साथ में, इसमें तो नहीं होगा ना, ये तो 4 आ गया, ये होगा, तो इसमें वैल्यू देखो भी चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये वैल्यू चेंज करेंगे, कितनी वैल्यू आ गई 5, 4, फिर वैल्यू आ गई 5, 6, ठीक है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। चलिए देखिए अब चेक कर लेता हूं मैं, 5, 4, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए
क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर आपको गिवन है, डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आपका एरो डायग्राम है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव। इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका रिलेशन इसके साथ में। ये पी टू क्यू के अंदर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। और अगले ने बोला है कि शो ए रिलेशनशिप बिटवीन पी सेट पी एंड क्यू, यानी एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है आपका पी टू क्यू के अंदर। और आपको लिखनी है सबसे फर्स्ट इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखनी है? सेट बिल्डर फॉर्म। और फिर सेकंड में आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है, रोस्टर फॉर्म। और फिर आपको डोमेन एंड थर्ड पे आपको, थर्ड नहीं है वैसे ही है, राइट इज द डोमेन, डोमेन एंड रेंज, ये इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो रोस्टर की बात करता हूं मैं, सबसे पहले सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट पे बात मत करते हैं। रोस्टर फॉर्म कनेक्टिविटी को देख लो, फाइव का किसके साथ में, फाइव कॉमा थ्री। फिर सिक्स का कनेक्शन फोर के साथ में, तो सिक्स कॉमा फोर। फिर सेवन कॉमा फाइव। ये तो हो गई जो सेट गिवन था एरो डायग्राम के अंदर उसकी रोस्टर फॉर्म। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म को देखो, सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की मैं बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टू है। यानी फाइव माइनस थ्री लू तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, टू। ये x की वैल्यू होगी, इसको मैं y ले लू तो x माइनस y इक्वल टू टू, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस टू, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में कि x कोमा y सच दैट y इक्वल टू x माइनस टू एंड x बिलोंग्स टू p एंड q बिलोंग्स टू q नहीं y, y बिलोंग्स टू q। ये आपका ऐसे, तो एक रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं ये आपको माइंड में रखना है। तो ये दोनों फाइंड आउट अपन कर लिया। उसके बाद में दोनों के अंदर आपको डोमेन निकालनी है, बात तो एक ही, एक में आ जाएगी। और फिर क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो डोमेन तो ये वाली वैल्यू होगी फाइव सिक्स और सेवन, और रेंज कौन सी होगी, क्यू वाली वैल्यू थ्री फोर फाइव, ये आपकी रेंज हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर, एरो डायग्राम था। उस एरो डायग्राम से अपन रोस्टर फॉर्म निकाली, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म निकाली। फिर ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद में अपन क्या फाइंड आउट कर लिया, इसकी डोमेन एंड इसकी रेंज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।